अजियाता होगा एक फिल्म को बनाने में बहुत खर्चा। कलाकारों को स्टंट सीखने में लग जाता होगा कई दिनों का वक्त। एक्टिंग सीखने के लिए लेते होंगे किसी स्कूल में ट्रेनिंग। लेकिन इस पुलिस वाले को जरा देखिए, ड्यूटी करते करते सब सीख गए। स्टंट कैसे करना है, कब कौन सा पोज देना है, कैमरे की ओर कब देखना है, इन्हें सब आता है। भले ही आप इसे किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा समझ रहे होंगे, लेकिन असल में ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये सेल्फ शूटिंग है। पुलिस की वर्दी पहने जनाब पर हीरोगिरी सवार है। गुजरात पुलिस के राजकोट में तैनात इस पुलिस वाले का काम वैसे तो जनता की सेवा करना है, लेकिन कैमरे के सामने ऐसे पोज देने लगे कि फेल हो जाएंगे अजय देवगन और शर्म आ जाएगी रणवीर सिंह को। हाथ में घड़ी, कमर में पिस्तौल, फिट फाट वाली वर्दी पहन लिए, लेकिन भूल गए उस वर्दी की मर्यादा। एसयूवी की बोनट पर सवार होकर खुद को फिल्म सिम्बा का रणवीर सिंह समझने लगे। काले शीशे वाली फॉर्च्यूनर में वर्दी पहनकर स्टंट करने लगे। अब राजकोट पुलिस के एक और पुलिसकर्मी का वीडियो देखिए। वर्दी में नहीं है, लेकिन पुलिस की जीप को अपनी घर की प्रॉपर्टी समझने लगे। टिकटॉक वीडियो बनाने और खुद को हीरो दिखाने के चक्कर में सरकारी जीप के बोनट पर सवार हो गए। स्टाइल का भी फुल ख्याल रखा, बस स्वैग कहीं बिगड़ ना जाए इसके लिए पोज भी देते हुए नजर आए। खैर, इसी वीडियो को देखकर फंस भी गए। एसीपी ने खुद इस वीडियो को देखकर जांच के आदेश दिए। चलिए, ये तो हुई गुजरात पुलिस की बात। अब जरा उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी देख लीजिए। वहां राजकोट में पुलिस वाले पर सिम्बा स्टाइल छाया, तो बस्ती में स्वाट टीम के इंस्पेक्टर साहब पर सिंघम स्टाइल सवार। सिंघम स्टाइल में हाथों में हथियार लहराते हुए इंस्पेक्टर साहब का वीडियो वायरल हो गया। सिंघम स्टाइल में खुद को दिखाना भी इन पर भारी पड़ गया, और वीडियो देखते ही पूरी की पूरी स्वाट टीम को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, और इसी कहावत के आधार पर इन पुलिस वालों ने खुद को कुछ ज्यादा ही ढाल लिया। पुलिस वालों पर फिल्मी खुमार गजब का छाया है। धन्यवाद है रोहित शेट्टी का, जो इनके अंदर छुपे कलाकारों को भी बाहर निकाल कर लाए हैं। खैर, अंदर का कलाकार तो बाहर आ ही गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हीरोगिरी के चक्कर में नौकरी से भी बाहर हो जाए। न्यूज़ तक ब्यूरो।